हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। यार बहुत बहुत शुक्रिया जितना भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी जितने ममालिक हैं, आप सब लोगों का यार बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और दिन ब दिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें। आप ही के लाइक की वजह से मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुंचेगी और वो उनको देख सकेंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। तो आ जाए हैं हम प्रिजन, और मेरे साथ मेरा भाई है, इनका भी अपना एक चैनल है, अगर आप इनको सब्सक्राइब कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्रीतम यहाँ हमारे साथ एक स्क्वाड उतरा था और एक और बंदा था, तो यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी नॉक पड़ा होता है, एनिमी ने नॉक किया था उसको। और यहाँ मेरे भाई को यार वो लोग नॉकआउट करके फिनिश कर देते हैं। तो मैं इन पर रश कर देता हूँ और इनके एक बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ। इनके दो बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। मेरे साथ एमओ भी ख़त्म हो जाता है, जल्दी जल्दी से मैं वेपन स्विच कर लेता हूँ। और यहाँ मैं प्रिजन के आखिरी बंदे को भी नॉकआउट कर देता हूँ। और दोस्तों यार मैं सोच रहा था कि हर सैटरडे और संडे को मेरे चैनल से लाइव रूम होगा, जिसमें सारे लोग जिस कंट्री से भी पार्टिसिपेट करेंगे और हम मैं उसको स्पेक्टेट करूँगा, और जो भी अच्छा खेलेगा शाउट आउट दूंगा उसको। अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे से लाइव रूम शुरू करें, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो यहाँ मुझे नज़र आ जाते दो और लोग, तो बगी लेकर मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे होते। सेक को तो मैं बहुत डैमेज दे देता हूँ लेकिन बच जाता है। या इन दोनों को मैं नॉकआउट करके फिनिश कर देता हूँ। यहाँ और एक बगी नज़र आ जाती है, लेकिन मैं बोट फायर कर लेता हूँ लेकिन वो भाग जाती है, नहीं आती। तो यहाँ इस बिल्डिंग्स में मुझे कुछ और बंदे नज़र आ जाते हैं। शेख को तो मैं नॉकआउट कर लेता हूँ।
मैं इस कोशिश करता हूँ इसको मैं मॉकटेल से नॉकआउट कर लूँ, लेकिन वो बच जाता है। नेट भी ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन किस्मत अच्छी होती है इसकी। तो यहाँ मुझे और फायर शॉट्स की आवाज़ आ जाती है। यहाँ पर दो और बंदे होते हैं। तो मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, दूसरे घर चला जाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ उनको यहाँ से फिनिश कर सकूँ। तो सेफ को मैं डैमेज देता हूँ, कोशिश करता हूँ नॉक हो जाए, लेकिन नहीं होता। और जो ये लेफ्ट वाला होता है इस पर मैं रश कर लेता हूँ। इस एक को तो मैं नॉकआउट करके फिनिश कर लेता हूँ। अब दूसरे पर दूसरे साइड से मैं रश करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर सारे एनिमीज फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ और बंदे नज़र आ जाते हैं। एक को तो मैं नॉकआउट कर लेता हूँ। और यहाँ स्कूल के बिल्डिंग्स में और एनिमी होते हैं जो इन पर फायर कर रहे होते हैं। यार मैं इन पर रश कर लेता हूँ। मैं इसे को बहुत डैमेज दे देता हूँ, लेकिन किस्मत से बच जाता है। मैं इस पर रश करने लग जाता हूँ तो इसके जल्दी जल्दी फिनिश करूँ। और यहाँ वो स्नेक हो जाता है। यहाँ मुझे एक और बंदा नज़र आ जाता है, मैं क्विकली उसको नॉकआउट कर लेता हूँ। और यहाँ मुझ पे नेट आ जाते हैं दोनों साइड से। तो ऐसे को तो मैं देख लेता हूँ जब नेट फेंक रहा होता है।
अब ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं थी तो मैं चला गया। और यहाँ मैं लकली बच गया था वरना कार ब्लास्ट होने वाला था। तो यार मैं इन लोगों को डैमेज देता हूँ लेकिन कोई नॉकआउट नहीं होता। तो यहाँ मैं यार बाइक लेकर जोन में जाने की कोशिश करता हूँ, मैं वहाँ पर इनसे फाइट लूँगा और यहाँ पर वो लोग मुझे काफ़ी डैमेज दे देते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों की किसी और टीम के साथ फाइट चल रही होती है तो मैं थर्ड पार्टी कर लेता हूँ। सडनली मुझे एक बंदा नजर आ जाता है, मैं क्विकली इसको फिनिश कर लेता हूँ। इस लास्ट बंदे पर नेट मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं मरता। हाँ यहाँ इसको फिनिश करके चिकन डिनर। यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि हम लाइव जो रूम्स मैंने आपको बोला था कि सैटरडे संडे को लाइव रूम मैचेस होगी, मैं स्पेक्टेट करके कमेंट करूंगा और जो अच्छे प्लेयर्स हो जो जीत जाते हैं मैं उनको शॉर्ट आउट दूँगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आइडिया कैसा है और अगर आपको पसंद है तो हम नेक्स्ट सैटरडे और संडे से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।